नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे राज आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे हरे वृक्ष के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि, मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है हरे। हरे एक ही वृक्ष का तीन तरह का फल होता है, जो बचपन में माने हल्का जो फल लगता है शुरू में और फूल फल गिर जाता है उसको आप छोटी हरे कहते हैं। जो फल पूरी तरह से मस्त हो जाता है, पका हुआ नहीं रहता है, उसको आप पिल्ली हरे कहते हैं, और जो हरे पूरी तरह से पक चुका रहता है उसको हम बड़ी हरे कहते हैं। तीनों का गुण, तीनों का काम एक ही है। तो आप अभी तक हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हरे के बारे में जो बता रहे हैं उसका बहुत काफ़ी बारीकी से अध्ययन करें, ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, इसका आप सालों साल तक प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये रक्त पित्त दोष बात पित्त और कफ पित्त, यानी बात पित्त कफ तीनों का समन करता है, और पित्त दोष के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। तो जिनको पेट से संबंधित समस्या है, जिनको अपच होता है, गैस बनता है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है, पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, मल सूख जाता है, विबंध टाइप का बन जाता है, वैसे कंडीशन में उधर फूल के दर्द में पेट में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। इसका एक चम्मच हरे का एक चम्मच पाउडर रात के समय में 3 से 5 ग्राम के आसपास पाउडर लिया जा सकता है। रात के समय में खाना पीना खाने के कम 40-50 मिनट के बाद आप लेकर के सो जाएं। हैं जिनके सिर में दर्द होता है, जिनको बहुत काफ़ी शरीर में ऐठन टाइप का दर्द होता है, टटैनी टाइप का दर्द होता है, चाहे जो नस के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, जिनको झिझनी होती है, नसों में झिझनी होती है, सिर में भयंकर दर्द होता है, वैसे लोगों के लिए हरर चूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चम्मच रात के समय में प्रयोग करें और तुरंत लाभ मिलेगा आपको। मात्र 3 से 5 दिन में पूरी तरह से पेट रोग से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा हमने प्रयोग करके देखा है। तो आप इसका प्रयोग करें।